हेलो फ्रेंड्स, मैं गंगाराम विश्वकर्मा, इतिहास प्रोफेसर। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है परवानगुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर में। दोस्तों, आपको हमारे चैनल के माध्यम से विभिन्न संकाय, चाहे वो कला वर्ग हो, साइंस वर्ग या कॉमर्स वर्ग, के साथ साथ विभिन्न तकनीकी कोर्सों के लिए वीडियो, ऑडियो एवं विभिन्न विषयों से संबंध लेख एवं महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें एवं दोस्तों को शेयर भी करें। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है तुर्कों द्वारा उत्तरी भारत की विजय और उसका एकीकरण। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि यह वीडियो इतिहास विषय बीए प्रथम वर्ष, बीएलएलबी सेकंड सेमेस्टर, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के साथ साथ अनेक परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से आपका जो बेस है इतिहास विषय का या कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, और जिससे आप आसानी से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो तुर्क, बात आती है तुर्क कौन थे। तो आपको बता दूं, तुर्क किसी जाति का नाम नहीं था, तुर्की एक भाषा थी और इसी भाषा को बोलने वाले लोग तुर्क कहलाते थे। इनके स्थान के बारे में कहा जाता है, साइबेरिया के दक्षिण में गोबी रेगिस्तान के निकट रहते थे। ये लोग बड़े ही घुमक्कड़ थे और धीरे धीरे इन्होंने राजनीतिक और एवं भौगोलिक कारणों से पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू किया। लगभग 705 ईस्वी में ये अरब आक्रमणकारियों के संपर्क में आए। दोस्तों, अरब में किस प्रकार इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, खलीफा आए, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है। तो जब ये अरब आक्रमणियों के संकर में आए तो इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। अधिकांश इतिहासकार इन्हें आर्य जाति के मानते हैं। ये लोग अपने धर्म यानी जो नया धर्म अपनाया उसके इतने कट्टर अनुयायी हो गए और खलीफा की सेना में भर्ती होकर अंगरक्षक के रूप में काम करने लगे। भारतीय इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि तुर्की अंगरक्षक, जिन्हें खलीफा ने अपने शरीर की रक्षा के लिए नियुक्त किया था, इतने बर्बर जाति के थे जिन्होंने अरब सामंतों को पृष्ठभूमि में धकेल कर अपने स्वामी पर अपना प्रभाव जमा लिया और अपनी शक्ति को बढ़ा लिया, जिससे जो खलीफा पद था वो एक कठपुतली के समान काम करने लगा और इनकी सेना में जो भर्ती हुई वो तुर्कों की होने लगी। फलस्वरूप इनकी शक्ति और भी बढ़ गई। तो तुर्क कौन थे इसके बारे में आपने समझा। अब बात करते हैं तुर्कों ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो इसके पहले हम आपको बता दें, तुर्क विजेताओं में जिन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना से पूर्व तक भारत में मुस्लिम साम्राज्य का जो बीज बोया था, उसको समझने के लिए आपको निम्न बिंदुओं पर सोचना होगा, जिनमें से प्रमुख हैं अलाउद्दीन और पीराई, सबकतगीन, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। बात करते हैं अलाउद्दीन की। यह एक तुर्की गुलाम था, अफगान की पहाड़ियों के मध्य स्थित गजनी नगर पर 962 ईस्वी में अधिकार जमा कर अपना छोटा सा राज स्थापित किया और गजनी वंश की नींव डाली। तो इस प्रकार जो वंश चला गजनी, उसकी नींव अलाउद्दीन ने रखी। इस वंश का असली नाम यामनी वंश था, किंतु इतिहास में इसे अधिकांशतः गजनवी वंश के नाम से पुकारा गया है। अलाउद्दीन अधिक दिनों तक राजसुख भोग नहीं पाया और 963 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र इसहाक
दोस्तों इसका पुत्र इसहाक गजनी का शासक बना। उसने भी थोड़े समय के लिए सिंहासन प्राप्त किया और 972 ईस्वी में बलकतगीन की मृत्यु के बाद अलप्तगीन के एक गुलाम पीराई ने शासन संभाला। पीराई अयोग्य किंतु महत्वाकांक्षी था और उसके शासनकाल में भारत का तुर्कों में संघर्ष शुरू हुआ। उसके समय में हिंदू शाही राजा जयपाल ने अपने पुत्र के नेतृत्व में एक सेना गजनी पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी। तो इसके बाद सुबकतगीन आता है। सुबकतगीन ने हिंदू सेना पर अचानक का आक्रमण करके उसे परास्त कर दिया। इससे सुबकतगीन तुर्कों में लोकप्रिय हो गया और 977 ईस्वी में पीरई को अपदस्त करके गजनी के सिंहासन पर बैठ गया। तो दोस्तों जो पीरई था, जब हिंदू शाही राजा जयपाल ने उसके लड़के ने आक्रमण किया तो उस आक्रमण को सुबकतगीन ने भली भांति रोका। इस प्रकार उसे राज सिंहासन पर बैठने का मौका मिला। बात करते हैं अगले पॉइंट की, सुबकतगीन की। गजनी का नया शासक सुबकतगीन, जो 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, बड़ा साहसी और योग्य था। वह अलाप्तगीन का गुलाम रहा परंतु बाद में उसका दमान बना। सुबकतगीन अपने स्वामी के छोटे से राज से संतुष्ट नहीं था, अतः उसने अफगानों को संगठित कर सुव्यवस्थित सैनिक समुदाय में परिणत किया और उनकी सहायता से अपनी विजयों द्वारा गजनी के छोटे से राज को एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। सुबकतगीन ने काबुल घाटी के लम, गान क्षेत्र, सिस्तान और खुरासान को जीतकर अपने प्रभाव का क्षेत्र का विस्तार किया। तो सुबकतगीन 997 ईस्वी में मर गया और अपने पुत्र महमूद के लिए एक विस्तृत और सुस्थापित राज छोड़ गया। सुबकतगीन के मरने के बाद उसने अपने छोटे पुत्र इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु उसके एक अन्य पुत्र महमूद ने इस्माइल को गृहयुद्ध में पराजित कर गद्दी पर अधिकार कर लिया। अब बात करते हैं महमूद गजनवी की। तो महमूद अत्यंत महत्वाकांक्षी युवक था। कहा जाता है कि खलीफा ने उसके पास मानता पत्र भेजा। उस समय उसने प्रतिज्ञा की मैं प्रतिवर्ष भारत के काफिरों पर आक्रमण करूंगा। उसने इस प्रण को निभाने का प्रयत्न किया। तो महमूद गजनवी ने जो प्रतिज्ञा की थी उसी के अनुसार उसने भारत पर आक्रमण किया। महमूद का व्यक्तित्व राजा जैसा नहीं था। उसका कद बीच का और शरीर हष्टपुष्ट था, किंतु देखने में वह क्रूर था। शूरवीरता भी उसमें असाधारण कोटि की नहीं थी। फिर भी वह एक महान सेनानायक और उतना ही अच्छा सैनिक था। वह बुद्धिमान और चतुर था। उसमें एक खास गुण यह था कि वह व्यक्तियों को परखने की क्षमता रखता था। वह साहसी, कर्मठ, साधन संपन्न और महत्वाकांक्षी था। तो इस प्रकार उसके महमूद की जो चारित्रिक विशेषता हैं निम्न थी। और आगे चलकर जब उसने धर्म प्रचार का उत्साह लिया और उसकी जो प्रारंभिक महत्वाकांक्षा थी उसकी पूर्ति के लिए उसने भारत की तरफ आक्रमण किया, तब महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण निम्न प्रकार होता है। कहा जाता है इसने 17 बार भारत को लूटा। तो प्रथम आक्रमण जो हुआ वो सीमांत प्रदेशों पर आक्रमण हुआ और 1000 ईस्वी में हुआ। दूसरा आक्रमण पंजाब पर हुआ 1001 ईस्वी में। महमूद का प्रथम प्रसिद्ध आक्रमण जो हुआ वो इसी को मानते हैं। इसके बाद बेहरा 1003 ईस्वी में और मुल्तान 1005 ईस्वी में। अगला आक्रमण भटिंडर पर हुआ, पांचवा 1005 में। इसके बाद उसने अपने आक्रमणों को आगे रखा और उसने सुखपाल पर आक्रमण किया 1007 ईस्वी में। दोस्तों महमूद ने सुखपाल या
नवाब सहाय जिसे महमूद ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए मुल्तान का शासक नियुक्त कर दिया था पर आक्रमण किया क्योंकि उसने इस्लाम को छोड़ दिया था और गजनी की अधीनता को अस्वीकार कर दिया था। इस प्रकार उसने उत्तरी भारत में उसे खदेड़ कर फिर से अपना राज वापस कर लिया और दाऊद को पुनः मुल्तान का शासक नियुक्त कर दिया। अगला आक्रमण होता है जो आनंदपाल पर आक्रमण 1008 ईस्वी में। इसके बाद थोड़ा उसने आराम विश्राम किया और फिर नारायणपुर का आक्रमण। इसके बाद मुल्तान पर पुनः आक्रमण किया। तो मुल्तान पर पुनः आक्रमण करने के लिए उसने जब मुल्तान के शासक जो दाऊद को उसने बनाया था स्वतंत्र होने का प्रयास किया तो उसने 1011 ईस्वी में उसे फिर से परास्त कर दिया और मुल्तान पर फिर से कब्जा कर लिया। इसके बाद उसका महत्वपूर्ण एक और आक्रमण होता है त्रिलोचन पर आक्रमण 1013 ईस्वी में। आनंदपाल के पुत्र तथा उत्तराधिकारी त्रिलोचन पाल के विरुद्ध महमूद ने 1013 ईस्वी में आक्रमण किया किंतु उसे इस युद्ध में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई और दूसरे वर्ष उसने पुनः आक्रमण किया और त्रिलोचन को परास्त कर कश्मीर की तरफ भागने के लिए बाध्य किया। तो इसके बाद उसके आक्रमण लगातार जारी रहे और थानेश्वर पर आक्रमण किया 1014 ईस्वी में। थानेश्वर में एक चक्रवाक स्वामी का अत्यंत प्रसिद्ध शासक रहता था जिसने एक मंदिर बनवाया था चक्र स्वामी का। तो उसने 1014 ईस्वी में थानेश्वर पर आक्रमण कर लिया और जब वह आगे बढ़ा तो उसने एक राजा राम नामक एक हिंदू शासक से लोहा लेना पड़ा। महमूद विजय हुआ। इस प्रकार मंदिर को उसने लूटा और थानेश्वर नगरी को जो विपुल संपदा थी उसको भी उसने लूटा। इसके बाद कश्मीर पर आक्रमण हुआ 1015 ईस्वी में। कश्मीर के शासक ने त्रिलोचन पाल के संरक्षण दिया था जो भाग कर आया था। त्रिलोचन पाल उसे उसने संरक्षण दिया था इसी के चलते उसने कश्मीर पर आक्रमण किया और उसने आक्रमण करके कश्मीर को जीतने में सफल हुआ लेकिन यह सफलता कामयाब नहीं रही। अगले उसके आक्रमण 1018 में बुलंद शहर मथुरा कन्नौज पर हुए। बुंदेलखंड के कालिंजर पर भी आक्रमण किया 1022 में और क्योंकि वहाँ का शासक चंदेल शासक था उसे परास्त किया और विभिन्न संधि के माध्यम से वहाँ से वापस चला गया। ग्वालियर पर आक्रमण किया 1022 ईस्वी में। उसका प्रसिद्ध आक्रमण जो था सोमनाथ पर आक्रमण जो 1025 ईस्वी में हुआ। कहा जाता है कि उसने विशाल सेना के साथ सोमनाथ पर चढ़ाई की। पंजाब मुल्तान और राजपूताने के रेगिस्तान को पार करते हुए गुजरात के सोमनाथ मंदिर की जो धन संपत्ति थी उसको लूटने के लिए महमूद ने राजपूतों से घमासान युद्ध किया लेकिन उन्हें पराजित होना पड़ा। सोमनाथ के मंदिर में शताब्दियों से इकट्ठी विशाल संपत्ति को लेकर महमूद गजनवी जो अपनी गजनी की तरफ लौट गया। यह उसका सोलवा आक्रमण था। इसके बाद माना जाता है कि उसने जो मुल्तान के जाट थे और खोखर थे उस उन पर 1027 पर आक्रमण किया। तो इस प्रकार उसने अपने जो आक्रमण हुए उनसे विभिन्न जो उसकी महत्वाकांक्षाएं थी और जो उसने प्रतिज्ञा ली थी उनकी पूर्ति की और भारत को लूटा और तुर्की साम्राज्य की स्थापना के लिए उसने द्वार खोल दिए। अब महमूद की मृत्यु होती है तो जाटों के कुचलने के बाद लौटते समय महमूद की तबीयत खराब हो जाती है और गजनी पहुँच कर भी वह स्वस्थ ना रह सका और 1030 ईस्वी में 50 वर्ष की आयु में वह दुनिया से कूच कर जाता है। महमूद की मृत्यु के समय गजनी साम्राज्य अपनी विस्तार की जो चरम सीमा पर था और राजकोष भी परिपूर्ण था। इस प्रकार महमूद की जब मृत्यु होती है उस समय गजनी साम्राज्य अत्यंत विकासशील या विकसित हो चुका था। अब बात करते हैं कि महमूद ने आखिर आक्रमण क्यों किया। तो महमूद के आक्रमणों के उद्देश्य के संबंध में विभिन्न विचार प्रकट किए जाते हैं। एक मत है कि जब वह जबरदस्त लुटेरा था
जिसने केवल लूटमार के लिए ही भारत पर आक्रमण किया। दूसरा मत यह है कि उसने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए और मूर्ति पूजा को समाप्त करने के लिए उसने भारत पर धार्मिक युद्ध लड़े। तीसरा मत यह है कि महमूद धार्मिक और आर्थिक उद्देश्य से प्रेरित था, लेकिन उसके आक्रमणों में राजनीतिक उद्देश्य भी निहित थे। अपने राज्य का विस्तार करके साम्राज्य की स्थापना के लिए उसने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन ऐतिहासिक विचारों से यह मत ठोस प्रतीत नहीं होता। महमूद ने भारत पर 17 बार विजय अभियान किए, किंतु पंजाब सिंध के कुछ भागों को छोड़कर अन्य किसी भारतीय प्रदेश को उसने गजनी के साम्राज्य में नहीं मिलाया। डॉक्टर आर सी मजूमदार ने लिखा है कि पंजाब को ही महमूद ने प्रसन्नतापूर्वक नहीं वरन आवश्यकता पूर्ति के उद्देश्य से अपने राज्य का अंग बनाया। वास्तव में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का यह विचार ही सत्य है कि अधिक निकट है कि महमूद के आक्रमणों का प्रयोजन राज जीतना नहीं था बल्कि धन लूटना था, विजय करना नहीं था बल्कि मूर्ति पूजा को समाप्त करना था। तो इस प्रकार उसके जो आक्रमणों के उद्देश्य थे। अब बात करते हैं कि आक्रमणों के उद्देश्यों के साथ साथ उन आक्रमणों से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जो प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर मजूमदार जैसे प्रख्यात इतिहासकारों का विचार है कि महमूद के हमलों ने भारतीय इतिहास पर कुछ स्थायी राजनीति सामाजिक जो छाप छोड़ी है वो इस प्रकार है। महमूद के हमलों के कारण भारत को जनधन की अपार हानि उठानी पड़ी, हजारों हिंदू उसकी बर्बरता के शिकार हुए और भारत की सैन्य शक्ति को गहरा आघात पहुंचा। भारत की जो विपुल आर्थिक हानि हुई उसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में कभी नहीं हो सकती। भारत के मंदिर भवनों ऐतिहासिक नगरों के विनाश से भारतीय सभ्यता और संस्कृति को गहरी चोट लगी। महमूद के हमलों ने भारतीय कला संस्कृति का जो विनाश किया उसका पुनर्निर्माण उसी रूप में फिर से कभी नहीं हो सका। महमूद के आक्रमणों से भारत की राजनीतिक दुर्बलता प्रकट हो गई, जिससे भावी मुस्लिम आक्रमणकारियों को बड़ा प्रोत्साहन मिला। महमूद के आक्रमणों के कारण सिंध और मुल्तान के अतिरिक्त पंजाब में भी इस्लामी हुकूमत कायम हो गई। पंजाब की विजय के बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए शेष भारत की विजय आसान हो गई। इस प्रकार पश्चिमी सीमांत का मार्ग अच्छी तरह खुल जाने से भारत में आगे चलकर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का जो मार्ग था वो खुल गया। महमूद के साथ और बाद में कुछ मुस्लिम संत भी आए जिन्होंने भारत में इस्लाम को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया। महमूद ने हजारों हिंदुओं को बलपूर्वक इस्लाम धर्म स्वीकार कराने के लिए बात किया था और देश में इस्लाम धर्म की नींव डाली थी। तो ये तो महमूद के जो आक्रमण थे उनके प्रभाव हुए। अब इसके जो महमूद या गजनी वंश के उत्तराधिकारी हुए उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं हम। तो 1030 में महमूद की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मासूद, इब्राहिम, अलाउद्दीन आदि कमजोर थे और वह सभी अपने महमूद की जो विरासत में जो राज मिला था उसका अच्छी तरह से संरक्षण नहीं कर पाए। इसका लाभ उठाकर गौर, अफगानिस्तान में एक और प्रांत है, वहाँ के सरदार गयासुद्दीन गौर, जिसे गयासुद्दीन गौरी के नाम से जाना जाता है, गजनी पर आक्रमण करता है और उस पर अधिकार जमा लेता है। गजनी के अंतिम शासक खुसरो खलिक पंजाब भाग जाता है। इस प्रकार केवल पंजाब का प्रांत ही गजनी वंश के हाथों लगता है। सन 1186 में गयासुद्दीन गौरी के छोटे भाई मोहम्मद गौरी ने मलिक खुसरो जो गजनी वंश का अंतिम शासक था पंजाब भागता है उसको मार देता है। इस प्रकार भारत से महमूद वंश के राज का जो वारिस था वो संपूर्ण या पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इस प्रकार
जो उसके महमूद के उत्तराधिकारी हुए वो कमज़ोर हुए, और एक और अफगानिस्तान के वंश के शासक गौर वंश के जो मोहम्मद गोरी हुए उसने उनको ख़त्म करके एक और नए वंश की स्थापना करता है जिसे हम गौर वंश के नाम से जानते हैं या गौरी वंश के नाम से जानते हैं। तो ये तो हुआ गजनी वंश के शासक महमूद गजनवी के बारे में। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी हो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। साथ ही साथ अगली वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे मोहम्मद गौरी के बारे में, उसके आक्रमणों के उद्देश्य क्या थे, किस प्रकार उसने भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। धन्यवाद। थैंक यू।